अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज। भिवंडी पुलिस ने 6 साल की बच्ची की हत्या के आरोपी को बिहार से किया गिरफ्तार। खबरों के अनुसार भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पतरे की चाल में रहने वाली बच्ची के माँ बाप 15 सितंबर को सुबह काम पर गए थे। घर पर 6 वर्षीय बच्ची और उसका 9 वर्षीय भाई था जो शौचालय गया था। शौचालय से आने पर बच्ची गायब थी और घर पर ताला लगा हुआ था, जिसके बाद बच्ची को बहुत ढूंढा गया और न मिलने पर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया गया, जिसके दूसरे दिन बच्ची के घर के पास वाले घर से बदबू आने लगी। तलाशी लेने पर प्लास्टिक की बकेट में बच्ची का शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बिहार से किया गिरफ्तार। पूरा मामला क्या है, एक बच्ची की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर अत्याचार किया गया और इस पूरे मामले में आरोपी को कहां से गिरफ्तार किया गया? 13 तारीख को भिवंडी शहर के फेनेगांव कामतगर एरिया में एक 6 साल की बच्ची का मिसिंग हुई है, ऐसी कंप्लेंट भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में प्राप्त हुई थी। उसी के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 363 के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो जो बच्ची है उनको ढूंढने की कोशिश पूरी भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन की टीम और बाकी और 2 टीम कर रही थी। उसी बीच दूसरे दिन 6 साल की बच्ची के मृतदेह हमें एक बंद खोली में मिला। उसके बाद उसमें सेक्शन 302 के तहत सेक्शंस बढ़ाए गए और जो बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए जेजे हॉस्पिटल में भेजी गई थी और वहीं पे जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अभिप्राय देने के बाद उसमें कलम 376 और पोक्सो के जो सेक्शन है वो बढ़ाए गए और उसके बाद हमने 3 टीम फॉर्म की थी। उसमें से हमें स्पॉट पे कुछ एविडेंस मिले, उसी के तहत जो सस्पेक्ट है इस गुनहे का उसका नाम निष्पन्न हुआ और तुरंत हमने उनका नाम निष्पन्न होने के बाद हमारे भिवंडी शहर की पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन की टीम PSI रविंद्र पाटिल और उनकी टीम को तुरंत बिहार में आगे की जांच के लिए भेजा था। वहीं पे उन्होंने अच्छा सा वर्कआउट करके वहीं से 2 दिन पहले ही वो आरोपी को कस्टडी में लिया है। वहाँ के सब कायदेशीर कार्रवाई करके जो प्रोसीजर है सबका अवलंबन करते हुए उनको कल वो टीम भिवंडी शहर में पहुँची है। जो आरोपी है उनको कल रात को अरेस्ट किया गया है और आरोपी का अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन चालू है। आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने वो कितने दिन से यहाँ पे था, उनका मोटिव क्या था, प्राइमरी तो ये पता चल रहा है कि उन्होंने चॉकलेट देने के बहाने वो जो बच्ची है उनको रूम में लेके गया और उन पे उनका मर्डर किया है, ऐसा प्राइमरी अब तक पता चला है। सर, क्या वो शख्स उसी रात बिहार भाग गया था या वो शहर में घूमता रहा? नहीं, मतलब जब जिस दिन घटना हुई वो होने के बाद वो तुरंत भाग गया था। सर, वहाँ पर बिहार राज्य में अपनी टीम को कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बिहार में जाने के बाद हमारी जो टीम है उन्होंने उधर जाने के बाद हमें वो आरोपी का मोबाइल वगैरह सब बंद था। हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही थी उनको लोकेशन जो है वो ढूंढने के लिए, तो हमारी टीम ने वहाँ पे पूरा वेश बदल के और वहाँ के जो स्थानिक पुलिस है, स्थानिक इन्फॉर्मर है, उनकी मदद लेके वो आरोपी तक पहुँची है। हमारी जो PSI रविंद्र पाटिल और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम, सीनियर PI काकड़े साहब, PI क्राइम और सभी पुलिस स्टेशन की टीम ने कंटिन्यूसली उनके टच में रह के वो आरोपी को हम गिरफ्तार कर सके, इसलिए मैं पूरी भिवंडी शहर की टीम का अभिनंदन करता हूँ। इस पूरे मामले में कौन से कलम धाराएं लगाई गई हैं और कब तक इस आरोपी को रिमांड है? आज जो गुना है उसमें 302, 376 और पोक्सो के सेक्शन 4, 8 और 12 लगाए गए हैं और आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। भिवंडी शहर में पहली बार शुरू हुआ है एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक, जहां स्किन रिलेटेड हर ट्रीटमेंट या बीमारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लेजर मशीनरी द्वारा की जाती है। क्रिस्टल स्किन क्लिनिक में आपको स्किन रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, जैसे पिगमेंटेशन एंड मेलेस्मा, अनवांटेड हेयर रिमूवल, इंटेंस पल्स लाइट ट्रीटमेंट, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट, साथ ही परमानेंट हेयर रिमूवल फॉर लाइफ टाइम, हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। सभी ट्रीटमेंट्स वाजिबी दामों में किए जाते हैं विद गारंटेड रिजल्ट्स। तो आज ही विजिट कीजिए डॉक्टर मिशास क्रिस्टल स्किन क्लिनिक एट अब्दुल्ला आर्केड, फर्स्ट फ्लोर अबव वैरायटी सुपर बाजार, बिसाइड पत्थर स्कूल, मंडई भिवंडी।